नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस के इस ऐलान के बाद चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है कि उसने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है, यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली भारत पहुंच चुकी है। बहुत से लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि जब S-400 की डिलीवरी हो गई है तो यह कहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि S-400 सिस्टम समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंच रहा है। यह कई हिस्सों में बंटकर भारत आ रहा है, जिसमें 40% से ज्यादा हिस्सा भारत पहुंच चुका है। कंप्लीट सिस्टम के पार्ट्स पहुंचने के बाद उसे भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जिसमें 2 से 2.5 महीने का वक्त लगेगा। जनवरी 2021 से भारतीय सेना का एक दल रूस में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चलाने का प्रशिक्षण ले रहा है। भारत पहले ही जबरदस्त तैयारी कर रहा है। उसका इरादा अगले साल फरवरी तक पश्चिमी कमान में 2 S-400 सिस्टम को तैनात करने का है। यह दोनों सिस्टम चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द करने के लिए काफी है। चीन ने 2014 में रूस से S-400 सिस्टम की डील की थी। भारत को यह 2021 में मिलने जा रहा है। चीन की चिंता यही है कि भारत को मिलने वाला यह सिस्टम चीन के पास S-400 से ज्यादा ताकतवर और एडवांस खूबियों से लैस है। भारत और रूस के बीच 15 अक्टूबर 2016 को इस मिसाइल सिस्टम को लेकर समझौता हुआ था। इस सौदे के तहत रूस से 5 S-400 सिस्टम को खरीदा गया है, जिसके लिए भारत ने 40,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। चीन के पास 6 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें से उसने एक को तिब्बत के नंगीची एयरबेस और एक को शिज्यांग के होटान एयरबेस पर तैनात किया है। भारत ने S-400 को अधिक ताकतवर बनाने के लिए इसमें कई बदलाव कराए हैं और कई एडवांस फीचर भी जोड़े गए हैं, जिस वजह से यह चीन को मिले S-400 से ज्यादा तेज बन गया है। चीन ने रूस से जो S-400 सिस्टम खरीदा है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण उसकी रेंज भारत के सिस्टम की तुलना में काफी कम है, जबकि भारत को मिले मिसाइल सिस्टम को रूस ने और अधिक घातक बना दिया है। इस सिस्टम में रूस ने कई नई मिसाइलों को शामिल किया है, जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। भारत सिस्टम में लगा रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती है। यह सिस्टम इस बात की जिम्मेदारी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है, यानी लॉन्चिंग के तुरंत बाद, कुछ दूरी पर या करीब आने पर गिराना है। अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय मिसाइल ध्वस्त कर दी गई तो उसके मलबे राख से कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसमें 4 तरह की मिसाइल शामिल की गई है। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। हालांकि भारत ने अपनी सुरक्षा के मद्देनजर इस सिस्टम में जो बदलाव किए हैं उनको पूरी तरह से क्रेडिट रखा गया है, परंतु चीन को इस बात का आभास हो चुका है कि भारत के पास उसके 7 साल बाद यह सिस्टम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सिस्टम उसके तुलना में काफी एडवांस है। साफ है कि अब चीन की भारत के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं रही है। भारत के पास उसके इरादों का एक मजबूत विकल्प आ गया है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो भिखारी और जाहिलों के देश की इस मामले में दूर दूर तक कोई गिनती नहीं है। भारत अब चीन को सामने रखकर अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है। रूस S-400 मिसाइल सिस्टम की भारत में डिलीवरी दे रहा है, इसलिए इसे यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मॉस्को की है। राफेल को फ्रांस से भारत तक लाने हेतु भारत को सीक्रेट मिशन लॉन्च करना पड़ा था और उसकी टाइमिंग में भी कई बदलाव किए गए थे, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पूरी जिम्मेदारी रूस उठा रहा है। मगर अब असली खतरा अमेरिका की तरफ से आ सकता है, जिसको लेकर भारत में हल्की सी बेचैनी बढ़ रही है। यह साफ हो चुका है कि S-400 के पार्ट्स भारत को डिलीवर होना शुरू हो गए हैं। अब अमेरिका के प्रतिबंधों की आशंका भी बढ़ गई है। कई मौकों पर अमेरिकी प्रशासन ने भारत से S-400 मिसाइल सिस्टम न खरीदने की अपील की थी, मगर भारत अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका काटसा एक्ट के जरिए भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत भारत को अमेरिकी रक्षा और व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को रोक सकता है, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पर यहां यह भी गौर करने लायक है कि इन प्रतिबंधों का असर भारत पर कम, अमेरिका को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ओबामा प्रशासन ने भारत को स्ट्रेटजिक पार्टनर का दर्जा दिया था, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों में काफी तेजी देखने को मिली।
भारत ने इसके बाद अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, P-8A विमानों की नई खेप समेत कई समझौतों को अंतिम रूप दिया है। अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो स्ट्रेटजिक पार्टनर का दर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। इससे अमेरिका की रक्षा बिक्री को तगड़ा झटका लग सकता है। अगर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो इसे मोदी कूटनीति की बड़ी जीत माना जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश है। ऐसे में अमेरिका ऐसे मार्केट से हाथ धोना नहीं चाहेगा। इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को काबू करने के लिए अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।